शांति, जय श्री कृष्ण। आज सभी को जो भी साधक एनडीएस की साधना कर रहे हैं और जिसे भी इंटरेस्ट है एनडीएस में, उसके लिए एक उपयोगी वीडियो बना रहा हूं। और गागर में सागर कहा जाता है, तो ऐसी कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो आप सभी को यूज़फुल हो सके। तो उसके लिए हमने ये टेम्पलेट भी छपवाए हैं, उसमें सभी माहिती, इसकी डिटेल्स, एनडीएस के बारे में सब कुछ आ जाती है। तो आपके सामने ये रखने का छोटा प्रयास करता हूँ। तो इस पेम्पलेट को मैं पढ़ के आपको सुनाऊँगा और इसकी सभी माहिती आपको कुछ ना कुछ उपयोग में आएंगी। और बिगर दवाइयों का जो हमारा स्वप्न है स्वस्थ रहने का, वो सच में साबित होगा। तो सबसे पहले मैं सभी एनडीएस के साधक मित्रों का, यूट्यूब व्यूअर्स का और जो भी जिनसे भी हमें बहुत प्यार मिला है, उन सभी लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं अपना खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम है जिग्नेश छेलावड़ा। मेरा मोबाइल नंबर है 9106837942। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा नाम जिग्नेश छेलावड़ा, मेरा मोबाइल नंबर है 9106837942। आप एनडीएस के बारे में कुछ भी सलाह या सूचन, अपने रोगों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किससे कैसे दूर होंगे, तो वो सभी कंसल्टिंग फ़ोन पे भी मिल जाएगा और रूबरू भी आप मेरे एड्रेस पे आ सकते हैं। सभी का मैं वेलकम करता हूँ। और एक सुंदर स्लोगन है, स्लोगन लिखा हुआ है कि साचू सुख सारा आरोग्य मा, सच्चा सुख है वो सच्चे आरोग्य में, अच्छे आरोग्य में है। और बिगर दवा, बिगर पैसे और बिगर कसरत के हम स्वस्थ रहना सिखाते हैं। इस न्यू डाइट सिस्टम में कोई भी प्रकार की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेथी में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी पेथियों का या हीलिंग मेथडों को यूज करते हैं, जैसे कि आयुर्वेद है, होम्योपैथ है या फिर एलोपैथ है और लास्ट में नेचुरोपैथ है। तो वो सभी पेथियाँ से हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत प्रयास किए, सदियों से प्रयास किए हैं, लेकिन भी आज के समय में आप सभी देख रहे हैं कि ये सब सिस्टम होने के बावजूद भी आज रोग बढ़े हैं, रोगी बढ़े हैं और दुख, शोक, भय सब कुछ बढ़ते ही आए हैं। मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो कुछ ना कुछ गलत दिशा में हम जा रहे हैं। हमारी मोशन भी गलत है और डायरेक्शन भी गलत है। तो आज हम ये न्यू डाइट सिस्टम से हम सब अपनी मोशन भी ठीक करेंगे और डायरेक्शन भी ठीक करेंगे। चौहान साहब बार बार अपने लेक्चरों में कहते हैं कि ये रोग क्यों आते हैं भाई, क्योंकि रोग आने का मुख्य कारण है हमारा गलत भोजन। जो हम गलत भोजन लेते हैं उनके कारण ही रोग आते हैं। तो हमारा सुंदर प्रयास रहेगा कि आप सभी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहना अपने ही हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। और इस नई भोजन प्रथा के हमारे मास्टर ऑफ मास्टर बीवी चौहान सर, जो हमारे इस नई भोजन प्रथा के प्रणेता है, उसने ही ये नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम को एक नया रंग रूप देकर और एनडीएस नाम से पिछले कई सालों से, मतलब 20 या 25 साल से पूरी दुनिया में वो घूमते हैं, लोगों को इनके बारे में समझाते हैं। तो वो हमारे इस सिस्टम के प्रणेता है। यूँ देखा जाए तो न्यू डाइट सिस्टम जो है वो सदियों से चली आ रही है। नाम न्यू डाइट सिस्टम है लेकिन सबसे पुराने ते पुरानी भोजन प्रथा है ये। रामचरितमानस में भी इनका उल्लेख है, वो सब हम सब भी जानते हैं साधक मित्र। तो इस भोजन प्रथा के जो प्रणेता है उनके जीवन में थोड़ी सी हम बात करें तो नई भोजन प्रथा के चमत्कारिक और अनुभव सिद्ध पद्धति हैं, उनके प्रणेता बीवी चौहान साहब है
और उसने अपनी ही सेल्फ के ऊपर पिछले 25 साल से प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें वो लोकहित के लिए इस पद्धति का प्रचार जो है वो अपने सगे संबंधियों में किया, फिर साधक मित्रों के उसके रिलेटिव्सों में किया, और उन सभी के रोग चले गए। तो फिर उन्होंने ठान लिया कि अब ये पूरी जो सच्ची बात है, जो सत्य की राह है, वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। और इसी प्रेरणा से वो आज अपना एक एक क्षण, एक एक सांस जो है वो लोकहित कार्य में बिता रहे हैं। और इनसे कई लोग आज हजारों लाखों नहीं लेकिन करोड़ों की तादाद में सब इस सिस्टम से जुड़ गए हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं लेकिन भारत के बाहर, यूके हो या यूएसए हो या कोई भी कंट्री हो, उसमें हमारे एनडीएस के साधक मित्र जरूर मिलेंगे, और वो भी अनुभव सिद्ध कि जिनके कई रोग भी हटे हैं। लोग शुरू शुरू में सिर्फ रोग हटाने के लिए ये सिस्टम करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये रोग हटाने की सिस्टम बाद में है, ये तो शिव साधना है, और इनसे शिवत्व प्राप्त होता है, हमें शिव की ब्लेसिंग मिल जाती है, वो आगे की बात है। और हमारी इस एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम को मानस योग साधना, शिव त्रिशूत्री साधना और ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो हमारे शास्त्रों का आधार लेकर, भगवद गीता का आधार लेकर, या फिर कोई भी धर्म हो, जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो इसमें फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर, वो तीन चीजें हैं। तो ये सभी धर्मों का सार है न्यू डाइट सिस्टम। तो इन ये सिस्टम को अपनाने से हम संपूर्ण तन और मन से स्वस्थ बनते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को पहले तो सबसे इस सिस्टम के प्रणेता का ही बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहिए कि आज उसने संपूर्ण मानव जात के लिए अपना सब कुछ स्वाहा करके वो सब इतना अथक कार्य कर रहे हैं। तो अगला टाइटल लिखा हुआ है कि चलो हम तंदुरुस्त जीवन जिए। पूरा पेम्पलेट गुजराती में है, मैं उनका अनुवाद हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ। तो प्राकृतिक आहार के आधारित नई भोजन प्रथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सरल और बिन खर्चाल, अनुभव सिद्ध और अक्षीर उपाय है। मतलब ये जो हमारी भोजन प्रथा है वो संपूर्ण प्राकृतिक भोजन के ऊपर आधारित है। कोई भी प्रकार की जो हम कुदरत हमें जो भी चीजें देता है, फल हो या सब्जियां हो, पानी हो, वो उनके प्राकृतिक स्वरूप में ही लेना है, और उनसे ही हम अच्छा स्वास्थ्य अपना मेंटेन कर सकते हैं। और वो भी पद्धति है, वो इतनी सरल है और बिन खर्चे की है, और अक्सर भी है। अक्सर मतलब कि 100% हमें रिजल्ट मिलते ही हैं। कई कई बार तो हम कहते हैं कि 100% नहीं, 200% हम बीमारियों से मुक्त होते ही हैं, लेकिन हम कितना कटिबद्ध है, कितना संकल्पबद्ध है, और सिस्टम को कितनी तरह अच्छी तरह से समझ पाए हैं, ये जरूरी है। अभी आगे लिखा है कि नई भोजन प्रथा है उनको अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए, इनका कारण क्या है? तो सिंपल, एनर्जेटिक लाइफस्टाइल हमें जीनी है, एनर्जेटिक लाइफ हमें पसंद है, वो प्राप्त करनी है, तो ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। दूसरा, टेंशन फ्री लाइफ अगर हमें जीनी है तो भी ये सिस्टम को हमें जरूर अपनाना चाहिए, और दोनों चीजें आवश्यक है जीवन जीने के लिए, कि एनर्जी से भी हम पूरी जीवन भरे रहे, और दूसरी बात, आज का 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रोग है टेंशन। सभी लोग कुछ ना कुछ टेंशनों में घिरे हुए हैं, और साथ में डिप्रेशन की बीमारी भी इतनी बढ़ रही है, तो इनसे मुक्त होने के लिए दवाइयों के सहारे पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। आज आप सभी में किसी ने भी सुना है
कि कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट हो, वो दवाइयाँ खा के रिपेयर हो गया हो। वो डिप्रेशन तो ठीक, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का भी एक पेशेंट बताओ जिनको दवाइयाँ लेने से वो ठीक होता हो जाता है। तो फिर हम इतने अंधे क्यों बने दवाइयों के पीछे और अपनी ट्रीटमेंट ही करवाते रहे, लास्ट अपने लास्ट ब्रेथ तक हम ट्रीटमेंट ही करवाते रहते हैं। और खुद तो करवाते हैं, अपने जो स्वजन हैं वो भी बीमार होते हैं ना, तो हम उनकी सेवा समझकर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको दवाइयाँ खिलाते हैं और जल्दी से जल्दी उनका काम निपटा देते हैं। और हम दवाइयों के पीछे इसलिए भागते हैं कि उनके कारण रोग दब जाता है और दब जाने के बाद तुरंत ही हमें रिलीफ मिल जाता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। तो हम तुरंत ही ये छोटा रास्ता अपना लेते हैं, वो भी हमें मना नहीं करते हम न्यू डाइट सिस्टम में। कभी कभी इमरजेंसी में एलोपैथिक आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम गलत दिशा में हैं ये तो पक्का है। और नई भोजन प्रथा को दूसरा अपनाने का कारण है कि हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी हो, जैसे डॉक्टर लोग कई बार कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर कोई भी मिनरल्स या विटामिन्स या प्रोटीन्स की कमी है, तो उनके कारण हमें कई दवाइयाँ लिख देते हैं। तो वो सभी कमियाँ 200% में कहता हूँ कि वो दूर हो जाती हैं। और हमारे कितने यहाँ जो लोग कंसल्टिंग के लिए आते हैं उनके रिपोर्ट भी हमें बताते हैं कि ये 1 या 1.5 महीने में सब कुछ दूर हो गया, सब कुछ कमियां दूर हो गई। तो ऐसी हमारी ये वंडरफुल सिस्टम है। फिर अगला पॉइंट है असाध्य जो रोग हैं, अनक्योरेबल डिजीज हैं, जिनसे हम छुटकारा पा ही नहीं सकते, तो ऐसी बीमारियां भी आराम से चली जाती हैं। ये कोई रोग निवारण की पद्धति नहीं है एनडीएस हमारी, वो नहीं समझो, ये चिकित्सा पद्धति नहीं है, कोई हीलिंग थेरापी या ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शरीर को स्वच्छ बनाने का रास्ता है। शरीर को स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ, रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। तो रोग चले जाते हैं वो पक्का है, कहीं बीमार लोग जो हैं वो पूछते हैं कि ये हमारा डायबिटीज है कितने दिनों में जाएगा, ब्लड प्रेशर कितने दिनों में जाएगा, या फिर ये सर्दी है या एलर्जी है या संधिवा है वो कितने दिनों में जाएगा। तो भाई यहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं दिया जाता कि 15 दिन में जाएगा या 6 महीने में जाएगा। आप किस तरह से अपना शरीर शुद्ध करते हो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज लोगों की कौन कौन सी बीमारियाँ जाती है इस सिस्टम से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि एसिडिटी है, कब्जियत है, कमर का दुखावा है, बैक पेन माना, सिर का दुखावा दर्द और अपचय, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, संधिवा, थायराइड, चमड़ी के जो भी दर्द हैं वो सब, एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, और परमानेंट किसी को सर्दी रहती है तो वो भी चली जाती है, खरज हूँ वो थोड़ा स्किन के रिलेटेड डिजीज है, सोरियासिस कि जो अनक्योरेबल ही माना जाता है मेडिकल में, तो स्किन के डॉक्टर यही कहते हैं कि सोरियासिस पेशेंट इज़ ए लाइफ टाइम पेशेंट, तो वो भी इस बीमार सिस्टम से चला जाता है। अस्थमा, सीडस, कोड फ्लू है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, कैंसर है, एड्स है, ताव है, आँख के कोई भी प्रकार के रोग हैं, चश्मा के नंबर है, कोलेस्ट्रॉल है, टीबी है, या फिर सबसे बड़ी आज की मुसीबत है पूरी दुनिया की, वजन ज़्यादा होना, या फिर संतान प्राप्ति, तो ऐसे किसी भी प्रकार के रोग हैं। उन सभी रोगों का एक ही इलाज है न्यू डाइट सिस्टम। कोई रोग का तो कभी कभी बार डॉक्टर को भी नाम नहीं आता और हमें भी नाम नहीं आता, रोग पकड़ में ही नहीं आता है। तो ऐसे रोग भी इस सिस्टम से चले गए हैं, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के। तो आप बिना हिचकिचाहट के अपना मनोबल दृढ़ करके ये सिस्टम को अपनाओ, ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने या 3 महीने के लिए भी आप करके देख लो,
जस्ट फॉलो एंड फील दिस सिस्टम, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करें या लॉजिक चलाएं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप करके देख लो, आपको परिणाम मिले तो आप मानो, वरना छोड़ दो। पुरानी लाइफस्टाइल तो हमारे लिए रेडी ही है। सभी YouTube व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। आज सद्गुरुवार के दिन विशेष परमात्मा सद्गुरु शिव की आप पर कृपा बनी रहे और जीवन में योग्य पथ दर्शन मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज फिर से मिले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेम्पलेट्स, हमने दो भागों में थोड़ा सा परिचय लिया है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि नई भोजन प्रथा जो है उनकी समझ, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, उनका थोड़ा सा चार्ट हम पढ़कर सुनेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेंगे। कई नए नए साधकों को यही पता नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, तो उनकी समझ हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। हमारी न्यू डाइट सिस्टम जो है वो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है या हीलिंग पद्धति नहीं है, ये एक समझ है, शरीर को स्वच्छ बनाने की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम बाहर बाहर से सभी स्वच्छ रखते हैं, घर स्वच्छ रखते हैं, हमारा शरीर स्वच्छ रखते हैं और आजू बाजू का जो भी एटमॉस्फियर है हमारे आसपास का वो भी स्वच्छ रखने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि जो एक मिशन दिया है स्वच्छता अभियान का, तो उसका हिस्सा बनकर भी हम अपने पूरे देश को भी स्वच्छ बनाने के लिए जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या हमने अपने शरीर को स्वच्छ किया है? और जो हम अपने शरीर को स्वच्छ करेंगे तो रोग खुद ब खुद शरीर से निकल जाएंगे। शरीर से रोग निकालने की ये कोई विधि नहीं है और इतने टाइम ड्यूरेशन में ये रोग निकल जाते हैं, तो ऐसी हमारी समझ जो है वो भी कुछ भूल से युक्त है। तो आज नई भोजन प्रथा की समझ हम प्राप्त करेंगे। तो उसकी समझ है कि सुबह से जब हम उठते हैं तो हमें क्या करना है। उठने के बाद 6-8 घंटे तक कुछ भी शरीर में डालना नहीं है। माना हम 6 बजे उठे या 7 बजे उठे या 8 बजे, आगे 6 से 8 घंटे तक कुछ भी मुंह में डालना नहीं है, खाना भी नहीं है और पीना भी नहीं है, जिनको हम निर्जला उपवास कहते हैं। तो निर्जला उपवास मुस्लिम धर्म में जब पूरे साल में वो रोजा रखते हैं 1 महीने के लिए, तो रोजा के दौरान वो कुछ खाते भी नहीं पीते भी नहीं, तो वैसे ही हमें कुछ भी इनपुट नहीं करना है, ये खास ख्याल रखना है। गर्म पानी पीना या नींबू पानी पीना कुछ भी लेना नहीं है। जो अगर कोई 25 साल से कम उम्र का है तो उनको 3 या 4 घंटे तक का उपवास करना है। अगर 25 साल से नीचे का व्यक्ति है और बीमार है, बहुत कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो उनको भी 6 या 8 घंटे का मिनिमम उपवास रखना है। और मैक्सिमम उपवास से ही हमारे रोग ठीक होते हैं, तो उपवास से डरना नहीं है। और उपवास भी सामान्य नहीं, निर्जला उपवास, उस पर अंडरलाइन करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करने से कठिन बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाती है। और जब आपका उपवास खत्म हो तो उस उपवास को ग्रीन जूस से ही छोड़ना है। ग्रीन जूस पीकर ही उपवास को क्रैक करना है, ब्रेक करना है, ये याद रखना है। और फास्टिंग जो है वो हमारी पूरी बॉडी की सिस्टम है उनको क्लियर करता है। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिनको कहा जाता है वह है फास्टिंग। और एक बात का ख्याल रखना है
कि फास्टिंग से पहले सुबह उठते ही अपने शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए एनीमा का उपयोग करना है। एनीमा पद्धति संजीवनी क्रिया को मिस नहीं करना है। कहावत है कि आज से एनीमा कल से कच्चा, मतलब इस सिस्टम का जो प्राथमिकता है वह है एनीमा। एनीमा से हम अपनी शरीर की सफाई, अंदरूनी सफाई करना है और एनीमा में भी सादा पानी हमेशा यूज करना है। एनीमा के विषय में हम कल देखेंगे तो वो कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, कितने प्रमाण में लेना है, तो ये हमारा टाइम टेबल हो गया सुबह उठने के बाद। अब दोपहर हमें क्या करना है, जब हमने ग्रीन जूस से अपना फास्टिंग ब्रेक किया है तो उसके बाद दोपहर में हमें क्या लेना है। उसके पहले एक हम जो कहावत है वो सुन लेंगे कि ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। सर अक्सर कहते हैं कि ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू, मतलब सुबह का नाश्ता है वो खतरे की घंटी है और हमारे जीवन को, पूरा बॉडी को क्रेश करने के लिए उनका महत्वपूर्ण रोल है। तो हमें सुबह कभी भी नाश्ता नहीं करना है। दोपहर को जब हमने ग्रीन जूस ले लिया तो बाद में हमें जो बिना पकाए जो हम डिशेस बनाते हैं हमारे एनडीएस सिस्टम में, वो कुछ भी हम बना कर ले सकते हैं या फिर कच्चा भी खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। तो अनकुक्ड डिशेस हैं, वेजिटेबल, गाजर का जैसे हम पका कर हलवा बनाते हैं तो कच्चा भी बनता है, तो कच्चा खाना है, पक्का नहीं खाना है। केले का रायता है और जो भिंडे या मिर्च या टमाटर, वो सभी हम मसाला बनाकर उसमें पूरा सा भर के मसाला अच्छा टेस्टी बनाकर खा सकते हैं, और वैसे ही उनके मूल फॉर्म में अगर खाएं तो वो सबसे बढ़िया रहता है। तो जब भी भूख लगे तब हम ये खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा ही लें। किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा ले सकते हैं और किसी को कम भूख लगती है तो ये लेने का कंपलसरी नहीं है कि कच्चा खाना ही है तो भी हम स्वस्थ बनेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और हमारी YouTube चैनल न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर है, उस चैनल पर आपको सभी रेसिपियाँ जो हम दोपहर को कच्चे में लेनी है वो सब उपलब्ध हैं, वो देखकर भी आप सीख सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं, सभी के प्रश्न रहते हैं कि हम दोपहर को क्या खाएं। हाँ, तो हमारी इस सिस्टम में खाना इतना जरूरी नहीं है। खाने के शरीर का पोषण करने के लिए, नए सेल क्रिएट करने के लिए हम खाते हैं। आज मनुष्य का जीवन है वो खाने के लिए ही है, लेकिन उनका हम थोड़ा सा उल्टा करें तो जीवन को टिकाने के लिए खाना जरूरी है। खाने के लिए जीवन नहीं है, जीवन जीने के लिए है, आनंद के लिए है, खुशी प्राप्त करने के लिए है। तो दोपहर से लेकर शाम तक हम क्या-क्या खा सकते हैं, हमारी कंडीशन है कि हम अनकुक्ड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, उसमें कई चीजें आती है, कंदमूल है, फल, पान, गाजर, काकड़ी, काकड़ी मतलब खीरा, मूली, टमाटर, बटाटा, गोभी, बीट है, गाजर के पान है, बीट के पान, गल के दूधी, तुरिया, भिंडा, रिंगना, बैंगन मतलब शक्करिया, कोरू, परवर, पालक, मेथी, धाना भाजी, धनिया मतलब बिली पत्र, और रजको, आल्फा, गदब के पान, और परवर, मूली के पान, और जो किसी भी प्रकार के वेजिटेबल्स हैं जो हमारे मार्केट में सीजनल है, अवेलेबल है, वह सब हम कुदरती स्वरूप में ले सकते हैं। स्वाद के लिए आपको चाट मसाला यूज कर सकते हैं, सिंधव नमक यूज कर सकते हैं, और सिंधव नमक का हम उपयोग करके फिर उसमें
कभी वेजिटेबल्स या फ्रूट में से रस बनाकर भी हम ले सकते हैं। ग्रीन चटनी या खजूर की चटनी भी उनके साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह स्वादिष्ट भोजन भी बना सकते हैं और मूल स्वरूप में भी हम दोपहर से लेकर शाम तक ऐसी कुछ भी चीज़ें हम खा सकते हैं। और ग्रीन जूस लेने के बाद हो सके तो फल लेना है, फल के बाद वेजिटेबल्स लेने हैं, ये इस तरह से क्रम को मेंटेन करना है। शाम को फिर 5 या 6 बजे आपको भूख लगे तो फल के जूसेस ले सकते हैं, फल डायरेक्ट ले सकते हैं, कच्चे वेजिटेबल्स फिर से ले सकते हैं। और ग्रीन जूस भी दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें उतनी बार ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन है कि दिन में कच्चा और रात में पक्का। दिन में प्रकृति देवेशा और रात में जो घरवाली बीवी देवेशा खाना है हमें। तो इस तरह से हमारा शाम तक का डाइट क्लियर हो गया। अभी रात में क्या करना है, रात को जब आप 7, 8 या 9 बजे जब भी पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो उसमें हमें बाजरे का रोटला या मकाई चने ज्वार का लोट भी हम यूज कर सकते हैं। और कम से कम मात्रा में हमें अनाज लेना है, दाल भात खिचड़ी और साग भाजी और वो सब हमें लेने हैं, लेकिन 30% रेशियो में हमें अनाज लेना है और 70% रेशियो में वेजिटेबल्स और जो कुदरती चीजें हैं वह हमें ग्रहण करनी है। तो ये बात का ख्याल रखें। और विशेष नोंद लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति को रात को कभी भी पकाया हुआ भोजन नहीं खाना है। कब तक? जब तक उनकी बीमारी छूट न जाए, निकल न जाए। तो जल्दी से जल्दी परिणाम मिलेंगे। अगर आप दिन में कच्चा खाएंगे और रात में कुछ ना कुछ ज़्यादा पकाया हुआ भोजन ले लेंगे तो बीमारी से छूटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रिलीफ मिल जाएगा आपको बीमारी में से, कुछ ना कुछ अच्छे फायदे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने एनीमा अपनाया है, सुबह का फास्टिंग अपनाया है और ग्रीन जूस अपनाया है। तो बॉडी क्लींजिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगा और उनके कारण आप दिन ब दिन अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन किसी को बहुत हार्ड डिजीज है, अनक्योर डिजीज है, तो उनको ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए कि पूरे दिन में कच्चा और रात में पकाया खाते रहे। तो उनके कारण 100% जो हमें रिजल्ट लेने हैं वो नहीं मिलेंगे। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना जब तक रोग न चले जाएं उस समय तक हमें अनकुक्ड फूड लेना है। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं, फिर नए पार्ट में हम मिलेंगे। और आप सभी व्यूअर्स का इतना प्यार देने के लिए सभी लोगों का, दोस्तों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति, बाय। शुक्रवार के दिन आप सभी दर्शकों का विशेष शुक्रिया जो आप हमें इस न्यू डाइट सिस्टम से स्वास्थ्य प्राप्ति की जो पद्धति है उसमें सेवा का मौका देते हैं, इसलिए विशेष विशेष आप सभी का आभार। आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेम्पलेट्स, थोड़ी सी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आज हमारा, वो है एनीमा। हाउ टू टेक एनीमा, कैसे एनीमा लिया जाता है, एनीमा की क्यों ज़रूरत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें रोग क्यों होते हैं, रोग होने का कारण क्या है। तो हमें पता चला कि रोग होने का महत्व का कारण है कि शरीर में जमा हुआ मल, उसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। आज साइंस ने अलग अलग थियोरी हमारे सामने
बरसों से रखी है। कोई कहता है कि वायरल इन्फेक्शन लगने से रोग होता है, या फिर कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न दिए हैं, लेकिन सर ने हमें बताया कि रोग होने का एक ही कारण है, वो है अनवांटेड एलिमेंट्स इज एक्यूमुलेट इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। मतलब जहाँ भी कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा फंसा हुआ है उसके अनुसार हमें रोग होते हैं। तो बेहतर यही है कि उस कूड़े कचरे को किस तरह से अपने शरीर से हटाया जाए, और जब शरीर से ये कूड़ा कचरा हट जाता है तो अपने आप ही रोग चला जाता है। तो यह एनीमा कैसे हम लें उसके बारे में जानेंगे, उसकी रीत उनकी प्रोसीजर क्या है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम जब शुरू करते हैं तब हर रोज सुबह और शाम 2 बार सादे स्वच्छ पानी से एनीमा लेना है, और 2 से ज़्यादा बार भी हम एनीमा ले सकते हैं। कब तक लेना है एनीमा? जब तक बीमारी हमारी पूर्ण रीति से चली ना जाए तब तक एनिमा लेना है। वो अपने हिसाब से उनका टाइम ड्यूरेशन रखना है कि कब तक लें, और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं उस उनके बारे में जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि एनिमा जो है उनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उसको हम कहाँ सेट करेंगे? एनीमा पॉट जो प्लास्टिक का बड़ा 1500 ml का या 1000 ml का पॉट आता है, बाजार में भी आता है, मेडिकल स्टोर्स में हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। तो एनीमा पॉट को टॉयलेट रूम में 4 या 5 फीट ऊपर लगा देना है स्क्रू लगा के, और फिर उनमें सादा स्वच्छ क्लीन वाटर भरना है, और फिर भरने के बाद उनका वाल्व है उनको ओपन करके थोड़ा सा पानी निकाल देना है, और एयर निकल जाने के बाद उनका काक बंद कर देना है, और फिर मल मार्ग में गुदा मार्ग में 2 इंच से ज़्यादा वो नली है वो अंदर डालनी है, और डालने के बाद फिर काक चालू करने के बाद 40 से 50 सेकंड तक पानी अंदर जाएगा। फिर जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर हमें बढ़ेगा तो तब उनको हम निकाल सकते हैं, और बाद में टॉयलेट सीट पर बैठ जाना है। जो भी पेट में जमा हुआ कचरा है, वो चाहे गैसीज फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, या सॉलिड फॉर्म में हो, सभी को बाहर आने का मौका देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुख्त हैं उनको 750 ml तक पानी, मतलब 1.25 लीटर तक पानी यूज़ करना है। छोटे बच्चों को 100 या 200 ml का एनीमा देना है। कई बार बड़े लोग जो हैं वो 1000 ml तक भी या 1500 ml तक भी पानी चला जाए एक साथ में, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण एनीमा के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन यूज़ करने के बाद लोगों के कई कई प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न के समाधान के लिए भी हम हाजिर हैं इस न्यू डाइट सिस्टम चैनल पोरबंदर के ऊपर। हम एक श्रृंखला ऐसी भी बनाएंगे जिनमें लोगों के एनीमा के प्रति कितने सवाल हैं, तो उस सवाल भी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके उत्तर भी देंगे, और किसी को कुछ न कुछ इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9106837942 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये एनीमा पोर्ट या फिर ऐसी कुछ रूटीन चीज़ें जो एनडीएस में हम यूज़ करते हैं वो चाहिए, तो हमारे यहाँ पोरबंदर से उपलब्ध भी हैं आपकी इच्छा और आपकी ज़रूरियात के अनुसार। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद, ऐसे ही आप सेवा का मौका देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
सब्जेक्ट लिया था एनीमा के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि बाथरूम में इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस तरह बाथरूम में इनको टॉयलेट सीट से लगभग 4 या 5 फीट ऊपर लगाते हैं, और ये जो एनीमा हमारा एनडीएस का एनीमा है और आइडल एनीमा है, जो लाइफ टाइम भी हम यूज करें तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करना है हमें। एनीमा की ये जो नली है, पोर्ट से बाहर निकलती है, वो यहाँ एक काक लगा हुआ है, तो काक को पहले शुरुआत में बंद रखना है, और फिर ये बाल्टी में पानी भरा है, बाल्टी से थोड़ा सा पानी लेके हमें एनीमा पोर्ट भर लेना है। ये एनीमा पोर्ट पूरा भर चुका है, इसकी कैपेसिटी 1500 ml 1.5 लीटर की है, और यहाँ हमने काक जो है वो बंद किया था, तो इस काक को फिर से ओपन करके थोड़ा सा पानी इस कैथेरेक पाइप के थ्रू निकाल देना है, और अब काक फिर से बंद कर देना है जिनके कारण एयर ना रहे। अब ये जो नली दिख रही है, वो नली के लास्ट में दो छिद्र हैं, इनको मल द्वार में इंसर्ट करना है 3 से 4 इंच अंदर, और ये कैथरेट पाइप है वो आइडल है, और इसकी कोई भी इंफेक्शन लगना या गुदा मार्ग में कुछ दुखा हुआ पेन होना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इस तरह एनीमा पोर्ट को टॉयलेट सीट से 4 या 5 फीट ऊपर सामने या इस दीवार पे भी लगा सकते हैं, पीछे का जो भाग है उस पर भी हम टांग सकते हैं, अपनी अनुकूलता और हमें कन्वीनियंट रहता है उस तरह से हमें एनीमा लगाना है। बाजार में अनेक प्रकार के एनीमा मिलते हैं, वो भी यहाँ हमने रखे हैं, जिसे आपको पता चले कि ये ऐसा एनीमा पॉइंट भी आता है जिनकी नली है वो इस तरह बहुत हार्ड रहती है, तो ये हार्ड नली कई बार पेशेंटों को पेन करती है और ये रिस्की भी है, तो हो सके तो ऐसे एनीमा पोर्ट यूज नहीं करने हैं। और ऐसे एनीमा पोर्ट भी आते हैं जो सीधे नल पे हमें चढ़ाना होता है तो हम नल से चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डिब्बा नहीं आता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये सीधा नल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी कोई प्रिफरेबल नहीं है यूज करने के लिए। हम यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए और काफी ध्यान रख के इनको यूज करना है। कल हम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेम्पलेट के बारे में जान रहे थे, और एनिमा का सब्जेक्ट हमने कल क्लियर करवाया। आज प्रैक्टिकल में भी देखा कि किस तरह से हम एनिमा पोर्ट को लगाएंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, और भी थोड़ी माहिती हम जान ले तो बेहतर रहेगा। एनिमा जो है वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसमें शुद्ध और सादा पानी यूज़ करना है। और हमारी एनडीएस सिस्टम में मेन कहते हैं कि देर आर 3 मेन की फैक्टर इन द एनडीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमा, सेकंड वन फास्टिंग, एंड थर्ड वन इज ग्रीन जूस। तो इस 3 चीज़ों से ही हम अपनी शरीर की सफाई करते हैं, और शरीर की सफाई हो जाने के बाद ही हम पूर्णतः स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। तो एनिमा को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कहावत है कि आज से एनीमा कल से कच्चा। कोई भी एनडीएस सिस्टम करना चाहता है अगर, और सिर्फ कच्चे पर डायरेक्ट जाएं, तो हमारी सलाह है कि बिल्कुल ही ऐसा ना करें। एनीमा से शायद आपको किसी भी प्रकार की डर हो या किसी भी प्रकार की मान्यता हो,
उससे आप जो डरे हुए हैं या फिर रिस्क लगता हो, तो सीधा ही कच्चे पर जाकर ये एनडीए सिस्टम चालू नहीं करे तो अच्छा है। इसलिए एनिमा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और लाखों करोड़ों साधकों के ऐसे अनुभव है कि एनिमा जो हम एनडीएस में सजेस्ट करते हैं, वो एनिमा यूज़ करने से किसी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ हम लास्ट 6 या 7 महीनों में पोरबंदर शहर में 1,000 से ज़्यादा लोग जो एनिमा का यूज़ कर चुके हैं, और उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। किसी का बीपी चला गया, किसी का थायराइड कम हो गया या निकल गया, किसी को कैंसर सॉल्व हो गया, किसी को गैस एसिडिटी या कब्जियात जो कब्ज है वो चली गई, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो। एनडब्ल्यू वॉकर का आपने शायद नाम सुना होगा, तो वो साइंटिस्ट जो हैं उसने बताया कि हमारे मलाशय में बड़ी आंत में जहाँ एनिमा का पानी भरता है, उस बड़ी आंत में 71 पॉइंट्स होते हैं। तो वो सब क्लियर हो जाने के बाद सभी रोगों में इसका असर पड़ता है, और सभी रोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं। एनिमा स्टार्टिंग में 3 महीना अवश्य करना है। 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोग जो हैं उसमें रिलीफ भी मिल जाती है, और ये रोग निकल भी जाते हैं, और बाद में उनको कम करते जाना है। और अगर आप पकाया भोजन एक टाइम खाते हैं, तो कभी कभार सप्ताह में 1 या 2 बार एनिमा को अवश्य यूज़ करना है। और एनिमा की एक कहावत है कि एनिमा टेक्स एनी टाइम, मतलब एनिमा जब भी आप चाहो, जिस समय चाहो, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, मतलब कोई उसका डोज नहीं है कि 1500 ml यूज़ करना है, 3000 ml यूज़ करना है, या 500 या 1000 ml यूज़ करना है। एनिमा हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से हमें ही स्वयं डिसीजन लेना है कि कितना एनिमा यूज़ करना है। इससे शायद शरीर की सफाई जल्दी से जल्दी होती है, तो कई बार डायरिया या फिर वोमिटिंग ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखने को मिले तो घबराना नहीं है। हम एनिमा की एक स्पेशल श्रृंखला ही शुरू करेंगे, लेकिन आज हम जो पेम्पलेट में जो भी बातें, जो भी नोट्स दिखाई गई है, उनके हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, तो जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं एनडीएस, उसके लिए कोई दिक्कत ना रहे। और आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि एनिमा के बारे में या एनडीएस सिस्टम के बारे में, तो मैं अवेलेबल हूँ पोरबंदर में। पोरबंदर के बाहर के लोग भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपने हिसाब से और एनडीएस के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से आपको जवाब देने का प्रामाणिक प्रयत्न करूँगा। और इस सिस्टम के जो फाउंडर है हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान साहब, तो उनके मार्गदर्शन में भी आप रहिए, उनके वीडियोस भी यूट्यूब पर देखते रहिए, तो हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे परम आदरणीय व्यक्तित्व को भी हमारा सभी का शत शत नमन, प्रणाम और थैंक यू। नमस्कार, न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल पर फिर से एक बार मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारे इस श्रृंखला के बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेम्पलेट्स के पार्ट 6 में मिले हैं। आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि हमें हमारे भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो पार्ट भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है, और इसी से ही आगे के लिए हम स्वस्थ रह पाएंगे। एक बार स्वस्थ हो जाने के बाद फिर से हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, तो फिर से बीमार होते हैं। तो कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ये एनडीएस सिस्टम जो है वो जब करते हैं तब स्वस्थ रहते हैं और नहीं करते
फिर से बीमार हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ही है कि हम अगर गलत इनपुट डालते ही रहेंगे तो फिर से बीमार पड़ने के चांस हमारे पूरे हैं। खास हमने पिछले एपिसोड में क्लिंजिंग के बारे में, एनिमा के बारे में जाना था, और खास करके एनडीएस में स्वस्थ होने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है, और स्वस्थता की चाबी है फास्टिंग, उपवास। उपवास से ही हम स्वस्थ होते हैं, और एनिमा लेने के बाद का उपवास वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। हम जब उपवास करते हैं तो हमारे अंदर बॉडी को हील करने के लिए बॉडी को पूरा टाइम मिलता है, बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेती है। कई बार किसी किसी को यहाँ आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर हम क्या खाएं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है क्या खाना है, तो मैं कई बार हंसी में कहता हूँ कि कुछ भी खाओ लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। मतलब दिमाग इतना हम यूज्ड टू हो चुके हैं कि खाने के बिगैर तो कुछ संभव ही नहीं है, लेकिन बीमारियां हटने का मुख्य कारण ही उपवास है। लंघनम परम औषधम, ऐसा स्लोगन आयुर्वेद में है कि सबसे बड़ी औषधि जो है वो उपवास है। उपवास से ही सारे रोग हटते हैं। प्राणी जगत में आप कहीं भी देख लो, सभी लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उपवास करते हैं, और उपवास से ही वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई दवाइयां लेना या डॉक्टर के पास जाना, ये कोई भी जीव सृष्टि में नहीं है। तो इतना हम समझ ले, तीन चीजें खास समझ लेनी है कि बीमारी जाती है उपवास से, दूसरी बात कि जो हम अच्छा खाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो भगवान ने जो बनाई है वो उस स्वरूप में ही हम जब लेते हैं तो आगे के लिए हम बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो पाते हैं, और दूसरी बीमारियां जो भविष्य में आने वाली है वो नहीं आती। लेकिन कच्चा खाने से कोई बीमारी नहीं जाती है। कहीं कहीं लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में कच्चा खाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ तो होते हैं फास्टिंग से, एनिमा से और ग्रीन जूस से, मतलब क्लींजिंग प्रोसेस से हम स्वस्थ होते हैं। और एक टाइम पकाया हुआ भोजन भी खाने की छूट है, लेकिन वह संपूर्ण स्वस्थ जो है, और वही आदमी पकाया भोजन रात को ले सकता है। अब हम टॉपिक पर आए तो क्या खाना है वो पहले समझ ले कि हमें सिंधव नमक का ही इस्तेमाल करना है। हमारे किचन में जो गृहिणी नमक का यूज करती है, बरसों से करती आई है, वो है दरियाई नमक, सी सॉल्ट जिनको कहा जाता है, तो वो बहुत खतरनाक है, उनको वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। तो आज जब भी जो भी घर देख लो वहाँ बीमारियाँ कुछ ना कुछ है ही, तो उस बीमारी का कारण और कहीं नहीं, हमारे किचन में ही है। तो पहले हमें क्या सुधारना है, अपना किचन को करेक्ट करना है। उसमें हम कभी भी सिंधव नमक का इस्तेमाल ही करेंगे, वो नमक जो है दरियाई सी सॉल्ट उनको बिल्कुल ही बंद कर देना है। बाकी कोई ऐसा भी ना समझे कि सिंधव नमक जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हमारा खुराक जो है वो पत्ते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और पानी है, तो उसके अलावा जो भी वो लेते हैं हम, वह हमारा खुराक नहीं है। तो ये भी सिंधव नमक भी यूज करना है तो अपने हिसाब से करना है, और बहुत ही कम मात्रा में करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरी चीज है देसी गुड़, हमें वो केमिकल वाला गुड़ भी मिलता है बाजार में, तो उसमें भी शुगर के कंटेंट बहुत होते हैं और कहीं केमिकल एडेसिव सब ऐड करते हैं, तो ऐसा गुड़ भी अगर खाएंगे तो भी बीमारी के चांसेस हैं और टॉक्सिक जमा होते हैं। तो हमें देसी गुड़ का इस्तेमाल करना है जहां हमें मीठा चाहिए, हमारी जीभ को
सभी टेस्ट चाहिए खारा या मीठा, तो हमें इस चीज़ों से ये टेस्ट लेने हैं, तो देसी गुड़ हमेशा इस्तेमाल करें। तीसरी चीज है, अगर आपको छाछ या दूध पीने का मन करे तो कोकोनट मतलब श्रीफल जिनको बोलते हैं, और श्रीफल के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उनका मिल्क वो हम निकालते हैं, दूध निकालते हैं और इसमें नींबू डालकर छाछ भी बना लेते हैं, तो वैसे हमें बनाकर यूज करना है। ये अवश्य बहुत टेस्टी और अच्छा महसूस कराता है। चौथी चीज में आते हैं कि हमें क्या खाना है, तो कि जो बाजार में गन्ने का जूस, शेरड़ी बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो गन्ने का जूस हम जितना चाहे पी सकते हैं, नारियल पानी कोकोनट वाटर बोलते हैं, तो नारियल पानी भी हम जितना चाहे उतना पी सकते हैं। सभी प्रकार के फ्रूट्स वो चाहे मीठे हो या खट्टे हो, उन सभी फलों को हम किसी भी झिझक के बिना यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा खुराक है। कहीं कहीं बार तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट भी फल खा के गन्ने का जूस पी के स्वस्थ हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अंडर सुपरविजन, अंडर इंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। और खास जब रात का भोजन हम करते हैं, तो रात के भोजन में हो सके तो कच्चे पर रहे तो सबसे बेस्ट, उनको सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हम व्यावहारिक समाज में रहते हैं और कई बार हमें खाना पड़ता है रात को, या फिर हर रोज खा रहे हैं रात को, तो कभी भी उस भोजन में दूसरे अनाज दाले को प्रीफर करने के बदले ज्वार बाजरी चोखे चोखा कहते हैं गुजराती में, हिंदी में पता नहीं, वो चोखा मकाई खिचड़ी दाल भात ये सब चीज़ें हम रात को खा सकते हैं। और इस तरह से पूरा हमारा मेनू आ गया हमें क्या खाना है। अब आगे क्या हम नहीं खा सकते वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप सबको जिग्नेश छेलावड़ा पोरबंदर चैनल से मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ कि आप अच्छी तरह से NDS फॉलो करो, अपने जीवन में सुंदर शरीर और सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति करो, और उसके लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़े कंसल्टिंग के लिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, और आपको फ़ोन पे भी मिल सकता हूँ। पोरबंदर में जुबेली बोखीरा एरिया में रहता हूँ, तो आप मुझे प्राइवेट कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, मेरा कोई चार्ज भी नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हों, बिना दवाइयों के, बिना कसरत के और बिगर पैसे के। आज काफ़ी लोग परेशान हैं स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, अगर आपने स्वास्थ्य ही गुमा दिया तो कुछ भी नहीं रहता। कहते हैं कि पहलू सुखते जाते नरिया, पहला सुख जो है वो स्वस्थ शरीर है, तो अगर उनको हम खो देते हैं तो हमारे पास कुछ ही नहीं बचता, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, लेकिन जब शरीर स्वस्थ ना हो तो वो उनका जीवन ही पूरा व्यर्थ चला जाता है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं जिग्नेश छेलावड़ा आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, आभार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक पुराने टॉपिक पर मिलना हुआ है। हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेम्पलेट्स के 6 पार्ट बनाए हैं, और आज सबसे आखिरी पार्ट जिसकी डिस्कशन हम आज करेंगे। तो हमने लास्ट में 6 पार्ट में देखा था कि हमें क्या क्या खाना है खाने के बारे में,
तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी चीजें एवॉइड करनी है। ज्यादातर हमारे सभी वीडियोस में, सभी अनुभवों में, सभी रिव्यूज में हम देखते हैं, और जो भी स्वस्थ हुए उनके साथ भी इनका जिक्र हम अक्सर ही करते हैं। फिर भी आज एक बार और जान लें कि हमें अपने किचन से क्या-क्या निकाल देना है। उसमें सबसे पहली चीज सी सॉल्ट है, दरियाई नमक। दरियाई नमक को हम अपने किचन से निकाल देंगे, क्योंकि वही जो वाइट चीजें हम काउंट कराते हैं कि वाइट पॉइजन का टाइटल देते हैं, उसमें सबसे पहली चीज यह है, वाइट पॉइजन, सी सॉल्ट, दरियाई नमक, जिनका हमें यूज नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। और उनके बदले में पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि सिंधव नमक का इस्तेमाल करना है। अब दूसरी चीज है शुगर, खांड, चीनी जिनको बोलते हैं, तो चीनी को भी हमारे रूटीन से बिल्कुल ही बाहर कर देना है। जो भी चीज हम चीनी से बनाते हैं वह सभी चीजें हमें अवॉइड करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज चाय है, जो हमारे हिंदू समाज में, पूरे विश्व में आज चाय के बिना कोई रहता ही नहीं है, तो चाय में भी चीनी डालते हैं। तो चाय में तो तीन चीजें वाइट पॉइजन हैं, चीनी, फिर मिल्क और चाय की पत्ती, तीनों ही एसिडिक हैं। तो उस चाय को भी हमें बाई बाई कर देना है कि जिनमें हम चीनी डालते हैं। तो दो चीज हो गई। तीसरी चीज है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध की बनावट, उनको हमें बिल्कुल ही अपने रूटीन यूज जो पहले हम करते आए उसमें वो महत्वपूर्ण अंग था, और उनके कारण ही बीमारियां आई है। तो एनिमल मिल्क, पारकी मातानु दूध, ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि जो गाय या भैंस या किसी भी जानवर का दूध हमें बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। दूध तो ठीक, लेकिन दूध से बनी हुई चीजें भी हमें इस्तेमाल में नहीं लेनी है। दूध से जैसे कि घी बनता है, छाछ बनती है, मक्खन, और दूध की मिठाइयां भी अनेक प्रकार की बाजार में उपलब्ध हैं, तो वो सभी चीजें हमें अपने खान पान में बिल्कुल ही यूज नहीं करनी है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। और हमारा लॉजिक उनमें काम नहीं कर रहा है, हमें ये बुद्धि में बात बिठ बैठ नहीं रही है कि दूध कैसे छोड़े, तो 1 महीना या 2 महीना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ के देखें हेल्थ सुधरते हैं, सुधरता है या नहीं। अगर हेल्थ पर अच्छे पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं मिलते हैं तो फिर पकड़ रखिए। तो तीन चीजों की चर्चा हुई। अब चौथी चीज है गेहूं, गेहूं। तो गेहूं और उससे जो मैदा बनता है तो उनको भी छोड़ना है, और बेकरी प्रोडक्ट, हाँ, तो उनमें भी ज्यादा मैदे का इस्तेमाल होता है, तो वो चीजें भी हमारे खान पान से बिल्कुल ही निकाल देनी है। तो आगे की चीज है नॉन वेज, मांसाहार। मांसाहार भी हमें नहीं करना है, अंडे है या मछली है या कुछ भी, जो भी मांसाहार है वो हमारी शरीर को बीमार करता है, और खास करके मन को तो बहुत सारा बीमार कर देता है। और हम जो गीता में लिखा है सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड, तो मांसाहार का जो समावेश है वो तामसिक फूड में होता है, इसलिए हमारा मन बहुत बेचैन, अस्वस्थ रहता है। और कहा जाता है कि जो मांसाहार करता है उनको तो इन फ्यूचर सर्जरी ना आए, उनके शरीर को काटना ना पड़े, तो ही ये कुछ आश्चर्य होगा। तो पांच चीजें हुई, दरियाई नमक, चीनी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, गेहूं, मैदे या बेकरी प्रोडक्ट, और पांचवी है मांसाहार, नॉन वेज। इन सभी चीजों को छोड़ने लायक है। छठी चीज है तंबाकू और चाय की पत्ती। कहते हैं
कि सभी पत्तियों को हम यूज कर सकते हैं, जो पशु आहार में लेते हैं वो सभी पत्तियां हम ग्रीन जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन तंबाकू की पत्ती और चाय की पत्ती वो दोनों तो बिल्कुल ही यूज नहीं करनी है, एसिडिक है और हमारा शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ाती है। तो रोगों का संबंध सीधा एसिड से है, अगर एसिड कम होता है तो हम स्वस्थता की ओर बढ़ते हैं, एसिड बढ़ता है तो हम बीमारी की ओर धकेलते हैं, इसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दो पत्तियां भी हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी है। साथ में जिक्र हो रहा है तो ये भी बात बता दें कि जिस पत्तियों में से वाइट दूध जैसा निकलता है उन्हों को भी यूज नहीं करना है, और जो पत्तियां कड़वी है वो भी सदा के लिए ग्रीन जूस में नहीं डालनी है, ये भी ख्याल रखना चाहिए हमें। और सातवीं चीज है, जो बाजार में पैकिंग में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं जिन्हों में शुगर का लेवल है बहुत हाई रहता है, और उनका यूज हम करते रहेंगे तो भी हम अपने शरीर में पॉइजन ही डाल रहे हैं। तो ऐसी सात चीजें अगर हमारे रूटीन में खान पान में निकल जाए तो नई बीमारियां आनी बंद हो जाएगी, और पुरानी जो है बीमारियां वो तो हम क्लींजिंग करके, फास्टिंग करके, फिर निर्जला रख के, एनीमा करके और ग्रीन जूस पीकर निकाल रहे हैं। कई कई न्यू डाइट सिस्टम के साधक हैं वो क्या करते हैं, शरीर को एक तरफ स्वच्छ भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो सब ना खाने की चीजें रात के भोजन में बहुत सारे प्रमाण में ले लेते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे के लिए कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। और इस समय आप देख रहे हैं कि इस वायरल इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, सभी जगह बीमारियां ही दिख रही है, तो बीमारियों में लोग हजारों नहीं लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो होशियारी इसमें ही है कि हम अपने जो हम स्वाद के शौकीन हैं, जिह्वा के गुलाम हैं, जीभ को अलग अलग प्रकार की टेस्ट देते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संयम बरता जाए तो बहुत सारी बीमारियां, दुविधाएं, तकलीफ, पीड़ाएं और पैसों के खर्च से बच सकते हैं। और ये आसान भी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है न्यू डाइट सिस्टम कि जो अप्लाई करते करते पूरा जीवन चला जाए। एक बार करके तो देखिए, थोड़ी सी हिम्मत जुटा कर तो देखिए, सिर्फ 7-8 दिन थोड़ा सा नया नया लगेगा, और जैसे ही उनके सुंदर परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तो ये सिस्टम ही आपको इतनी स्वीट लगेगी कि आज मेरा भी ये अनुभव है और जो भी साधक एनडीएस करते हैं उन लोगों का भी प्रतिभाव ऐसा रहता है कि वो बिल्कुल ही चुप नहीं बैठ सकते, दूसरों को कहते ही रहते हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम बिगर पैसे की है, बिगर खर्चे की, मतलब कसरत भी नहीं करनी पड़ती और दवाइयां भी लेनी नहीं पड़ती, तो ये सेवा का भाव भी अपने आप प्रकट सभी में होने लगता है। तो ऐसी ये वंडरफुल सिस्टम है। तो क्या चीज खाएं और क्या चीज ना खाएं, इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। ये शायद हम जो भी चर्चा करते हैं इस सभी चीजों में शायद विज्ञान से इनका तालमेल नहीं बैठता है, तो भी घबराना नहीं है, एक बार, एक महीने, दो महीने इस बातों को सिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल करके देख लो और आपको क्या परिणाम मिलते हैं उनसे ही लास्ट आपका डिसीजन, लास्ट डिसीजन पर आओ। तो ठीक है, और आगे के लिए पेम्पलेट्स में लिखा है कि नई भोजन प्रथा सभी उम्र वालों के लिए है, छोटा बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। सभी उम्र के बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या जवान हो, वो करेंगे तो अवश्य ही उत्तम फल प्राप्त होता है। हम कई कई बार साधकों में देखते हैं, माँ बाप करते हैं ना, तो
तो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों के लिए नहीं है, उनको तो अब खाने की उम्र है। तो मैं सोचता हूं कि अभी भी नई भोजन प्रथा को लोग अच्छी तरह से डीप से नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल बीमारी दूर करने में ही करते हैं। अरे भाई, ये बीमारी दूर करने की प्रथा नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की प्रथा है। ये प्रथा सदा स्वस्थ रहने की प्रथा है, तन और मन को ताकत देने वाली प्रथा है। तो प्लीज अपने परिवार के किसी सदस्य को मना मत करिए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह प्रथा की कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, एक भी प्रकार की साइड इफेक्ट इनसे लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। और शॉर्ट में कहा जाए तो आरोग्य सुधारने की ये मास्टर की है। और कौन से रोग में हमारी ये प्रथा एनडीएस प्रथा नहीं यूज होती है वो बताइए। सभी रोग में ये रामबाण इलाज है, सभी रोगों में ये कुछ ना कुछ रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट निकालती है, ऐसी ये प्रथा है। आजकल की बीमारियां ऐसी है जो विज्ञान भी नहीं पकड़ पा रहा है, उनका नाम क्या दे, नई नई बीमारियों के नाम निकलते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, इस नई भोजन प्रथा को अपनाने से वो अवश्य दूर होती है। और महत्वपूर्ण चर्चा भी हम साथ साथ आज कर लेंगे, जो कि साधक जैसे ही ये साधना शुरू करता है तो कई दिक्कतें आती हैं, और इस दिक्कतें आने से वो एकदम ढीले ढाले पड़ जाते हैं, उनका मनोबल कमजोर होता है, और आसपास का वातावरण, परिवार का सपोर्ट भी नहीं मिलने से वो एकदम बिखर जाता है। तो वो बातें आज मैं विशेष जो साधक कर रहे हैं ये एनडीएस, वो भी जान ले और इनके परिवार वाले भी जान ले कि ये चीज आपको दिमाग में अवश्य रखनी है, जिनसे हम आगे साधना में बहुत आगे जा सके और अच्छे अच्छे परिणाम पा सके। तो नोंद में लिखा है कि ये प्रयोग शुरू करते ही शरीर में जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वजन निकलता जाता है। जो ये सभी बातें हमने अपने जीवन में भी अनुभव की है, आसपास वालों के लोगों में भी अनुभव हर रोज कर रहे हैं, तो ये अनुभव सिद्ध बातें सभी आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। तो मोटापा कम होता है, और लंबे समय से जो भी बीमारियां शरीर में पड़ी हुई हैं वो धीरे धीरे करके निर्मूल होने की शुरुआत हो जाती है। और इसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर है वो शरीर पर पड़ती है, और उसके परिणाम स्वरूप डायरिया होना या वोमिटिंग होना, मतलब झाड़ा या उल्टी, हाँ वो होती है, तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, वो क्लीनिंग के ही एक पार्ट है। किसी किसी को सर्दी हो जाती है, कफ निकलना शुरू हो जाता है, तो कफ सर्दी वाली चीजें नहीं खाने से भी सर्दी होती है शुरू शुरू में, तो समझना है कि पुराना जो कफ जमा है वो निकल रहा है, तो सर्दी भी होगी। कितने समय तक होगी वो कोई निश्चित समय नहीं है, जब तक गंदगी भर रखी है तब तक होते रहेंगे ये सब चीजें, 1 साल में, 2 साल तक, 6 महीने, 2 महीने, कितने समय तक ये सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखेंगे, जब तक हमने शरीर स्वच्छ नहीं रखा है तब तक। तो सर्दी, सड़े खम, सिर का दर्द होना, पग का निचला हिस्सा एडी बोलते हैं वो दुखना, स्किन पर खुजली आना बहुत सारी, और पिंपल्स जैसे कुछ निकलना स्किन के ऊपर, और जो पेशाब है, यूरिन है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाना, उसमें दुर्गंध आना, और जो क्या कहते हैं, बार बार थकान सी महसूस होना, पेट में दुखना, चक्कर आना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सभी चीजें हम फील करेंगे आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 month, या फिर आफ्टर 6 month या 8 month के बाद भी ये सब चीजें हमारी लाइफ में आएंगी, जब क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से होगा।
तो घबराना नहीं है। और इसी सभी चीज़ों का चक्कर आना ऐसा हो तो आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। उस दरमियान आपके शरीर में से विकार दूर हो रहे हैं, गंदगी दूर हो रही है, पुराना मल बाहर निकल रहा है, तो बिल्कुल ही उस चीज का आनंद उठाएं और निर्मल हो जाएं, एकदम निर्मल हो जाएं तन से भी और मन से भी। अगर हमारा मनोबल कम रहता है तो किसी अनुभवी के साथ मिलन मुलाकात करें, उस दौरान फोन पर बात करें, अपना हौसला जो बढ़ाएं, ऐसे लोगों से मिले, और जो नेगेटिव लोग हैं उसकी सोच भी एकदम नेगेटिव चल रही है, ऐसे लोगों को अपनी तकलीफ के बारे में जिक्र भी ना करें और उनसे कोई भी प्रकार की सलाह भी ना लें। और हमें सलाह देने आए तो उनको नमस्ते कर देना है कि भैया आप अपना सोचो, हम अपना खुद संभाल लेंगे। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स आज हमारी डिस्कस हो गई। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर 9106837942। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9106837942। और लास्ट में स्लोगन है, पेम्पलेट में लिखा हुआ, कि नई भोजन प्रथा अपनाइए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज हमारी ये पूरी श्रृंखला पेम्पलेट्स की आपके साथ चर्चा की, आपने बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी प्रमाण अच्छी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी विशेष आपका धन्यवाद कि मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। आज पोरबंदर वासियों को तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ में जब से हम इस मीडिया के माध्यम से आए हैं तो पोरबंदर के बाहर जो भी लोग बस रहे हैं, राजकोट हो या अहमदाबाद हो, जामनगर हो, या फिर पूरे गुजरात के बाहर के जो भी लोग हैं, वो हमें बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और अपना स्वास्थ्य ही सुधार रहे हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि पूरा भारत स्वस्थ रहे, और ख़ास करके अभी क्रिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, आप दूसरे के घरों में जब मेडिकल शुरू हो जाता है, दवाइयों का खर्च शुरू हो जाता है, पीड़ाएं शुरू हो जाती है, तो बहुत भोगनी होती है ना, तो बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है। तो हमारे NDS के माध्यम से लोगों के अंदर एक आत्मबल बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, और दवाइयों के सहारे वो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं, स्वयं के अंदर से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति कर रहे हैं। और जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं और बाहरी उपचारों से दवाइयां लेकर या फिर प्रोटेक्शन लेकर जो बच रहे हैं बीमारियों से, वो बहुत बड़ी एक नासमझी कर रहे हैं। और अंदर की ताकत को बढ़ाना है, अंदरूनी ताकत एक ही चीज से बढ़ेगी, वो है स्वयं को पहले बदल कर, सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ चेंज करें। ये कोई कठिन चीज नहीं है, सेल्फ चेंज करने से, खुद की जात को ही, स्वयं को बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक छोटी सी कहानी भी है कि कहानी में कोई कहता है कि पूरे गांव में कांटे बिछाए हुए हैं, तो पूरे गांव में चमड़ा नहीं डाल सकते ऊपर, लेकिन हम चप्पल तो पहन सकते हैं, तो पूरा खर्चा बच जाता है इतनी छोटी सी युक्ति लगाकर। तो आज जो जहां भी बीमारियों का माहौल है, तकलीफ का माहौल है, तो उनमें हम दूसरी बाहरी उपचारों में न जाएं, सिर्फ अंदर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाएं। और अंदरूनी ताकत बढ़ती है प्रकृति की नज़दीक जाने से, हमारी प्रथा बिल्कुल ही प्रकृति के नज़दीक हमें ले जाती है। कच्चा भोजन, सूर्य में पकाया हुआ भोजन हम आहार में लेते हैं, तो इस आहार से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ख़ास सभी लोगों से मेरी यह विनती है कि बिना एनीमा किए हुए सिर्फ कच्चे भोजन पर ना जाएं और एनीमा से डर डर कर ना रहें। छोटे बच्चे भी आज 4-4, 5-5 साल के हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो एनीमा ले रहे हैं, तो एक बार हिम्मत जुटा कर तो देखिए,
एनिमा लेकर देखिए, दो या चार बार ले लेंगे एनिमा और जो हल्कापन आप महसूस करेंगे, शरीर और मन दोनों में हल्कापन आएगा। और खास एनिमा यूज़ करना है तो वो भी वो कैथेरेट पाइप हमारे एनडीएस में जो प्रीफर करते हैं वो ही यूज़ करें। बाकी वो एकदम पेंसिल जैसी नली आती है, हार्ड नली, उनका प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। बरोबर है? तो आप थोड़ा सा अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और अपना तीसरा नेत्र खोले कि अभी हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हाँ, आज पूरा भारत है, भारत के लोग हैं, विदेश में हैं, सभी दवाइयों के पीछे, डॉक्टर के पीछे, आज जगह भी नहीं बची है हॉस्पिटलों में कि हम वहाँ जाकर भर्ती भी हों। तो स्वयं अंदर से हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ाइए, और बढ़ाने का तीन रास्ते हैं हमारे एनडीएस में। बार बार रिपीट करना पड़ता है, कई बार आपसे ये बातें हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कि एक बार और रिपीट हो जाए। को पहला, हमें ग्रीन जूस अवश्य डेली लेना है। दूसरी चीज, हमें अवश्य एनिमा लेना है। और तीसरी चीज, हमें सुबह का फास्टिंग करना है। याद रह गई बातें? एक एनिमा, दूसरा फास्टिंग और तीसरा ग्रीन जूस। ये तीनों चीजें हम पकड़ कर रखेंगे इस टाइम में, क्रिटिकल टाइम में, तो अवश्य ही हम किसी भी परिस्थिति के सामने लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। आज मैं ये दावा नहीं करता कि कोई भी बीमार नहीं हो सकता, बीमार इतना ध्यान रखते रखते भी हो सकते हैं, लेकिन बीमार होने के बाद जंप लगाकर खड़ा हो जाना ये विजेता की निशानी है। तकलीफें, परिस्थितियां, बीमारी आएंगी तो इस सिचुएशन में हम कितना टिक पाते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो एनडीएस से हमारा रेजिस्टेंस पावर अवश्य ही बढ़ता है। हमारे साथ जुड़े हुए 2000 से भी ज़्यादा लोग आज पोरबंदर में हैं, तो वो सभी का हंसता हुआ चेहरा, कॉन्फिडेंस वाली बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी लोग हैं 1200-1500 के जो अपना रिव्यू देने के लिए हिचकिचाते हैं, तो क्या हमें सिर्फ तप ही करना है? इतना खुद गर्ज बनना है कि खुद ये सिस्टम करे और खुद में फायदा ले, और जब दुनिया के सामने आपको बताने के लिए बोला जाए तो आप इतने कंजूस होकर चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं कि मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है। अरे भाई, ये भगवान की प्रथा है, दूसरों को नई दिशा देने वाली प्रथा है, तो आप इतने तो कंजूस मत बनिए। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, कोई खर्चा भी नहीं करवाया जा रहा है, बिना आप वहाँ डॉक्टर के पास लाखों रुपये देने के बाद भी आप निराशा मिलती है, फिर भी वहाँ बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ दुनिया के सामने आइए, थोड़ा कॉन्फिडेंट अपना दिखाइए, और इस चैनल के माध्यम से अपना जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सिस्टम से मिलता है तो वो दुनिया को बताने के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। इसकी मैं सभी साधकों से नम्र निवेदन और विनती करता हूँ कि आप हमारे इस अभियान में प्लीज़ आगे आइए और हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बढ़ाने के लिए निमित्त बने। तो मैं आपका बहुत बहुत ही आभारी रहूँगा। तो आज कहे तो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपसे विनती भी करता हूँ, आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि अपने तक ये सीमित ना रखें, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ भी अपना वीडियो बनाकर मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, और ये जो भेजा हुआ वीडियो है वो दुनिया को सही दिशा बताएगा। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, और बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार, प्रणाम। आप सदा ही स्वस्थ रहेंगे, सदा ही मस्त रहेंगे और सदा ही खुशहाल रहेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ओम शांति।